हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज जो गाइज हम गेम खेलने वाले हैं MPL पर 1-0 पर मी। एंड गाइज, ये गेम प्ले मेरी तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग और टेस्ट गेम प्ले होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे 100 पॉइंट हो जाएंगे और ओपनर प्लेयर के 88 पॉइंट, तो हम वहाँ पे जो लास्ट राउंड पे विन कर पाते या फिर नहीं कर पाते, इसके लिए आपको वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा कि वीडियो में क्या था। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके, सो गाइस आते हैं हमारे गेम प्ले के पास। हमारे पास देख सकते हो फर्स्ट रो में ही कार्ड्स की बात करें तो हमारे पास काफ़ी अच्छे कार्ड हैं। देख सकते हो दो जॉकर है और एक प्योर सिक्वेंस है, और यहाँ पे थोड़े इनवैलिड कार्ड है, बट कोई दिक्कत है नहीं, हम कैसे भी करके देख सकते हो 20 के अराउंड पॉइंट ले आए हैं। बंदे ने जो है हमको कार्ड तो वैलिड नहीं डिस्कार्ड किया था, लेकिन मेरे पास 9 आ जाता है, सॉरी 9 नहीं 8 आता है। ओके, बंदे ने अब ए डिस्कार्ड किया, सो हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं एंड जे डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि देखो अब मेरे पास 6 या फिर 9 के लेटर कार्ड आ गया, तो हम पिक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 8 का साइड ड्रेन हो जाएगा। लेकिन बंदा तो भाई जे ही पिक कर गया और एस डिस्कार्ड करता है इसको, मतलब हमारे काम का कार्ड इस बंदे को डिस्कार्ड कर दिया इसने। ओके, इस बंदे ने हर्ट 9 डिस्कार्ड किया, हर्ट 9 पिक नहीं करेंगे, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। चलो बढ़िया गाइस, हमारे पास हर्ट 8 ही आ जाता, जिससे हम जो है एक कार्ड पे पहुंच गए सीधा, मतलब अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर तो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो मेरी साइकिल लाइफ ब्रेक हो जाएगी, मतलब 8 का हम सेट रैंक करके डबल जॉकर ऐड कर सकते हैं। चल कोई नहीं, मैंने यहाँ पे 2 डिस्कार्ड किया और बंदा यहाँ पे 2 ही पिक कर गया है। अब मुझे लगता है कि यही बंदा ही डिक्लेयर करेगा हमसे पहले तो, लेकिन देखो डिक्लेयर उस बंदे से अभी तक नहीं हुआ, बंदा 2 टाइम कार्ड पिक कर गया ओपनर से। और यहाँ पे क्लब 10 मेरे पास हर्ट किंग आता है, सो किंग ही डिस्कार्ड कर देते हैं। यहाँ पे गाइस दे सकते हो कितनी ही टर्न लग चुकी है, मतलब एक कार्ड चाहिए था, अब तो यहाँ पे मेरे को लगता है शायद हम डिक्लेयर कर पाएँ। ओके, और गाइस फाइनली बंदा हमको सिर्फ डिस्कार्ड कर देता है, जिससे हम सेट रैंक करके 2 सा करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश। वैसे गाइस दे सकते हो डीलर ने बैक टू बैक 2 टाइम ओपन ऐसे कार्ड पिक किया था, फिर भी बंदा देखो 17 पॉइंट से लॉस हुआ। मैं तो सोचा था बंदा ओनली 2 या फिर 3 पॉइंट से लॉस होगा, लेकिन बंदे पास ना एक जॉकर था इस वजह से। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं। एंड इस वारी गाइस देखो, चलो हमको एक प्योर सिक्वेंस मिल रही है और यहाँ पे एक ओपन ऐसे जॉकर मिल रहा है, सो हम यहाँ पे जॉकर पिक करके 10 डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 डबल कार्ड है, सो हमको डिस्कार्ड तो करना ही पड़ेगा कभी ना कभी तो। और गाइस देखो बंदा भी 10 पिक कर गया और हमको क्वीन डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं। मेरे पास एक और जॉकर आ चुका है, सो मैं यहाँ पे अगेन 10 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। अभी भी कार्ड तो चाहिए, दे सो तो गाइज हमको 2 वैलिड 5, चलो पिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे एस मैं सोच रहा हूँ डिस्कार्ड करें क्या, लेकिन एस भी बंदा पिक कर सकता है, क्योंकि एस का सेट रही होने के चांस हैं। और गाइज देखो बंदा अगेन हमारा कार्ड पिक कर गया। ओके, और गाइज बंदे ने हमको 4/4 डिस्कार्ड कर दिया, जिससे हमारी डेड गेम रेंज हो चुकी है, सो 3 के साथ करते हैं डिक्लेयर एंड इसी के साथ फिनिश। और गाइस दे सकते हो ये बंदा ओनली 8 पॉइंट से लॉस हुआ है, या फिर कम 6 से लॉस हुआ है। चलो सही है भाई, बंदे की किस्मत अच्छी थी। देखते हैं इस बार हमारे पास कैसे कार्ड आते हैं, 2 टाइम तो हमने डिक्लेयर कर दिया बैक टू बैक। ओके, सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं एंड इस बार मेरे को लग रहा है हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप कार्ड दे ही सकते हो, वैलिड तो हैं लेकिन यहाँ पे प्योर सिक्वेंस नहीं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बंदा डाउन हो जाए या फिर हर्ट में 10 डिस्कार्ड कर देना, फिर तो हम यहाँ पे भिड़ जाएंगे बंदे से, लेकिन यहाँ पे लग नहीं रहा बंदा कोई ऐसा कार्ड डिस्कार्ड करेगा। और यहाँ पे 37 पॉइंट बंदा भी सोच रहा है प्ले करूँ या फिर ड्रॉप, क्योंकि अगर बंदे ने प्ले करना होता ना तो कर जाता। ओके भाई बंदा प्ले कर गया, मैं सोच रहा हूँ कोई काम का कार्ड डिस्कार्ड करे, लेकिन बंदे ने बहुत ही बेकार डिस्कार्ड किया कार्ड हमको, सो हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं एंड करते हैं इसी के साथ बैट स्किप। देखते हैं यहाँ पे इस बार कौन क्लियर कर पाता। ओके, सो फाइनली गाइज यहाँ पे जो है 25 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है, और यहाँ पे देखते हैं 37 पॉइंट वाला बंदा कितने पॉइंट से लॉस होता है। अब देख, ओके भाई देख सकते हो गाइज ओनली 3 पॉइंट से लॉस हुआ है। वैसे गाइज दोनों ही बंदों पास काफ़ी ओपी कार्ड थे, इस वजह से बंदा 3 पॉइंट से लॉस हुआ है, लेकिन यहाँ पर जिस बंदे ने डिक्लेयर किया उस बंदे पास वो सिंगल जॉकर था। वैसे ऐसा भी हो सकता है बंदे पास 2 प्योर सिक्वेंस होगी और एक जॉकर पहले से आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं एंड अगेन देखो भाई कार्ड तो हमारे पास इस बार काफ़ी सारे वैलिड हैं, लेकिन यहाँ पर बात यहीं पर आके ख़त्म हो जाती है कि हमारे पास जॉकर ही नहीं है। सो
सो हम यहाँ पे अगेन ड्रॉप कर देते हैं एंड यहाँ पे डीलर को विनर बना देते हैं। वैसे डीलर के पास भी अच्छे कार्ड थे, देख सकते हो आप, दो जॉब करवाई, प्योर सिक्वेंस की नीड थी, प्योर सिक्वेंस तो रेंज कर ही लेता आराम से। खैर देखते हैं इस बार हमारे पास कैसे कार्ड आते हैं। सो अगेन गाइस कार्ड स्पीड हो चुके हैं एंड अगेन देखो भाई बहुत ही बेकार कार्ड मिले हमको अगेन, मतलब कि हद है यार इस बार भी। सो हम यहाँ पे अगेन ड्रॉप ही करेंगे, प्ले नहीं कर सकते हम क्योंकि हमारे 40 से 60 पॉइंट हो जाएंगे, मतलब अब तो हमारे पास कार्ड ही नहीं आ रहे। बैक टू बैक हमने 3 times ड्रॉप कर दिया, मतलब पहले हमने 2 times डिक्लेयर किया, अब हमारी ड्रॉप की बारी आ चुकी है, मतलब हमको ड्रॉप ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो 40 पॉइंट वाला बंदा कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा रहा है, मेरे को लग रहा है कि इस बंदे पास भी काफ़ी ओपी कार्ड हो सकते हैं, तो क्या पता ये बंदा डिक्लेयर कर दे। तो देखते हैं गाइज ये बंदा क्या करता है। ओके यहाँ पे देखो बंदे ने स्मॉल कार्ड डिस्कार्ड किया था और यहाँ पे डीलर प्ले करा। खैर कोई नहीं, करते हैं अगेन बैट्स की, देखते हैं यहाँ पे कौन बंदा डिक्लेयर कर पाता। ओके सो फाइनली गाइज यहाँ पे 40 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है और यहाँ पे डीलर देखता है कितने पॉइंट्स लॉस हुआ है। ओ भाई ओनली 3 points लॉस हुआ है, देख सकते हो गाइज कहाँ पे इन बंदों के हाईएस्ट पॉइंट थे, मतलब हमसे ज़्यादा 40 पॉइंट थे। अब देखो मेरे सबसे ज़्यादा पॉइंट है और इन बंदों के कम पॉइंट है। खैर कोई नहीं गाइज अगेन कार्ड डिसीड हो चुके हैं एंड अगेन देख सकते हो गाइज कार्ड बहुत ही गंदे कार्ड मिले हमको अगेन, मतलब कि मेरे को लगता है कि हम यहाँ पे ड्रॉ कर करके एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब देखो हमने डिक्लेयर भी किया लेकिन उसका कोई हमको बेनिफिट नहीं मिला। अब यहाँ पे यही सोचा था 40 पॉइंट वाला बंदा ड्रॉप कर दे लेकिन भाई ये बंदा प्ले करने लग जाता है। खैर कोई नहीं, अब हमको ही ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि इस बंदे पास अच्छे कार्ड हो सकते हैं। देखते हैं बंदे कार्ड कैसे थे। ओके गाइस बंदे पास काफ़ी ओपी कार्ड थे, देख सकते हो, मतलब बंदे को खाली प्योर सिक्वेंस मेरे हिसाब से चाहिए थी, बाकी सब बंदा जो कार्ड रैंक कर चुका था लगभग। खैर कोई नहीं, सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं एंड इस वारी गाइस जैसा तो हमारे पास एक जोकर मिला और ना ही प्योर सिक्वेंस है ना ही जोकर है, सॉरी एक जोकर मिला है और प्योर सिक्वेंस तो है ही नहीं। सो रिस्क लें क्या, सो रिस्क ले ही लेते हैं। ओके और देखो एक जोकर हमको और मिल गया, सो हम यहाँ पे 10 डिस्कार्ड कर देते हैं। और गाइस देखो ये बंदा ही प्ले कर रहा है भाई, चलो कोई नहीं अब जो भी होगा देखा जाएगा। हमारे पास अब 2 jokers हैं, पहले हमको 1 joker था, अब 2 jokers मिल चुके हैं। और गाइस देखो बंदे ने हमारे काम का कार्ड डिस्कार्ड कर दिया 9, जिससे हमारी प्योर सिक्वेंस नहीं हो चुकी है। सो हम यहाँ पे क्लब 8 डिस्कार्ड कर देते हैं। अभी भी देख सकते हो मेरे गाइस 24 पॉइंट है। क्वीन कोई नहीं, क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं, 9 आ चुका है। सो हम यहाँ पे हर्ड 7 डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि डबल कार्ड है। सो यहाँ पे ये थोड़ा डाउट है बंदा पिक ना कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ओके बंदे ने एस डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। मेरे पास देखो 9 आता है, सो मैं यहाँ पे 9 ही डिस्कार्ड कर देता हूँ। अब यहाँ पे बंदा हमको 8 डिस्कार्ड कर सकता है हर्ड में, लेकिन बंदा तो एस ही डिस्कार्ड किया जा रहा है और मेरे पास देखो 6 आ चुका है। अब यहाँ पे दिक्कत है कौन सा कार्ड डिस्कार्ड करें क्योंकि 6 जो है पिक होने के चांस तो हैं, लेकिन हम यहाँ पे 6 डिस्कार्ड नहीं करते। मैं यहाँ पे 3 डिस्कार्ड कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये बंदा ओपन से कार्ड पिक करे और डिक्लेयर कर दे। ओके बंदे ने किंग डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडर से कार्ड पिक करते हैं। और गाइस देखो फाइनली मेरे पास 4 आ जाता है, जिससे हमारा सेट रेंज हो चुका है। सो 6 के साथ करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश, और देखते हैं गाइस ये बंदा कितने पॉइंट से लॉस हुआ है। ओके सीधा ही 91 पॉइंट पे बंदा पहुंच गया, मतलब हमने बंदे के डायरेक्ट 51 पॉइंट लगा दिए, मतलब ये तो मज़े ही आ गया गाइस। देख सकते हो इन बंदों के कितने कितने पॉइंट हैं, 80 प्लस पॉइंट है। दोनों बंदे ड्रॉप नहीं कर सकते, दोनों बंदों को प्ले करना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, गेन कार्ड रिसीव हो चुका है एंड इस बार गाइस देखो मेरे पास अब यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ, मतलब क्वीन आनी चाहिए और यहाँ पे 5 आना चाहिए जो कि बहुत ही कम चांस था। सो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ एंड करते हैं 6 साथ बैट स्किप, देखते हैं इस बार दोनों बंदों में से कौन बंदा डिक्लेयर कर पाता। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पे 88 पॉइंट वाला बंदा डिक्लेयर कर देता है और यहाँ पे 91 पॉइंट वाला बंदा आखिरकार एलिमिनेट हो जाता है। एंड गाइस हम इस बंदे को स्प्लिट पैक की क्वेस्ट सेंड करते हैं, लेकिन ये बंदा भाई इग्नोर कर देता है, देख रहे हो बंदे का एटीट्यूड। खैर कोई नहीं, अब यहाँ पे लास्ट राउंड होने वाला है तो यहाँ पे देखते हैं हम विनर बन पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमारी अगर लक अच्छा हुआ तो हम यहाँ पे विनर बन सकते हैं, लेकिन देख सकते हो हमारा लक कितना गंदा। खैर कोई नहीं, देखें जाएगा जो भी होगा। सो अगेन गाइस कार्ड सीड हो चुके हैं, अब यहाँ पे मेरे पास एक भी जोकर नहीं है, तो यहाँ पे इस बंदे पास काफ़ी सारे जोकर हो सकते हैं। बंदे ने जे डिस्कार्ड किया, सो मैं यहाँ पे क्लोडे से कार्ड पिक करते हैं। 9 है मेरे पास, मैं यहाँ पे क्वीन डिस्कार्ड कर देता हूँ। कार तो काफ़ी मेरे को चाहिए गाइज,
ओके बंदे ने अगेन जेड डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोड ऐसे कार्ड पिक करते हैं, मेरे पास एट आ चुका है। चलो एक पे और सिक्वेंस नहीं हो चुकी है, सो हम यहाँ पे हर्ट नाइन डिस्कार्ड कर देते हैं। अब देखो मेरे को गिनती का तीन कार्ड चाहिए, देख सकते हो यहाँ पे तीन कार्ड वैलिड है और यहाँ पे तीन ही कार्ड मेरे को चाहिए। ओके मेरे पास जे आ चुका है, सो हम यहाँ पे फाइव डिस्कार्ड कर देते हैं हर्ट में, क्योंकि बंदा किंग भी डिस्कार्ड कर सकता है, क्वीन भी डिस्कार्ड कर सकता है, इससे हमारा सेट रही होने के चांस बहुत ज़्यादा है। और बंदे नाइन डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडर से कार्ड पिक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास किंग आ चुका है जिससे मेरा सेट रही हो चुका है, सो हम यहाँ पे डायमंड जे डिस्कार्ड कर देते हैं। अभी भी कार्ड तो चाहिए गाइस, देख सकते हो मेरे पास कितना इनवैलिड है। ओके हर्ट क्वीन डिस्कार्ड किया, कोई नहीं क्लोडर से कार्ड पिक करते हैं। यहाँ पर हर्ट फोर आ चुका है, सो हम यहाँ पर एस भी डिस्कार्ड कर ही देते हैं। और गाइस देखो बंदा यहाँ पर एस पिक कर गया, मतलब बंदे कहीं ना कहीं ट्रैप था हमसे जो है कार्ड निकलवाने का। और बंदे ने सिक्स डिस्कार्ड किया, सो सिक्स पिक कर लेते हैं एंड हम यहाँ पे एट डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि हमको डिक्लेयर ही करना पड़ेगा डायरेक्ट। ओके नाइन डिस्कार्ड किया बंदे ने, सो क्लोडर से कार्ड पिक करते हैं, मेरे पास भी नाइन आ चुका है। अब हम पहुँच चुके हैं सीधा ए कार्ड पर। अब बंदा यहाँ पर एट भी पिक कर गया, तो यहाँ पर दिक्कत यह है कि फाइव पिक करेगा या फिर नहीं। सो फाइव डिस्कार्ड कर ही देते क्योंकि एट और फाइव का डिस्टेंस तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर अगर बंदा पिक कर गया दिक्कत हो जाएगी। और गाइस देखो बंदा हमको किंग डिस्कार्ड कर देता है, सो हम यहाँ पे क्लोडर से कार्ड पिक करते हैं और लकीली गाइस मेरे पास जोकर आ जाता है, सो डायमंड टू सा करते हैं डिक्लेयर और इसी के साथ फिनिश। एंड गाइस ये बंदा फाइनली एलिमिनेट हो जाता है, मतलब कि बंदा देखो कितने पॉइंट से लॉस हुआ है, 104 से। बंदा बहुत ही पछता रहा होगा कि अगर 4 पॉइंट और डाउन कर लेता तो बहुत ही बढ़िया रहता। खैर कोई नहीं, बंदा एलिमिनेट हो चुका है और हम यहाँ पे विनर बन चुके हैं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक ओके बाय टाटा।